हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम लोग 31 जुलाई के न्यूज़पेपर्स के इम्पॉर्टेंट इशूज़ को डिस्कस करेंगे। द टारगेट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट इशूज़ फ्रॉम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट इशू ऑफ द डे इज GST ऑडिट बाई CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट केम ऑन पेज 1 ऑफ द हिंदू दिल्ली एडिशन। रिलेवेंट टू द सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी गवर्नमेंट बजटिंग। कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड देखते हैं तो CAG ने कंडक्ट किया है ऑडिट ऑफ GST इंप्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट एंड इट हैज फाउंड दैट देयर हैज बीन मेनी फ्लॉज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड इस कारण से देयर हैज बीन ओवरऑल लॉस टू द रेवेन्यू जनरेटेड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड। तो GST आप CAG के एस्टिमेट के हिसाब से जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए था उससे लगभग 10% कम रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। उन्होंने डेटा भी बताया है दैट 2016-17 में ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में रेवेन्यू ग्रोथ वॉज अबाउट 20%, वाइल फ्रॉम 17-18 वेन GST वॉज इम्प्लीमेंटेड द ग्रोथ इन द रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज कम डाउन टू अबाउट 7-8%। सो देयर हैज बीन ओवरऑल लॉस, प्रिजम्प्टिव लॉस आप ऐसा कह सकते हैं, ऑफ अबाउट 10%, यानी कि जितना हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से उतना हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST बाई द गवर्नमेंट। लेट अस ब्रीफली सी अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में हम लोग वैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं। इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148। ड्यूटी, सो ब्रीफली हिज ड्यूटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ही ऑडिट्स द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू सी वेदर द कलेक्शन एंड द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू हैज बीन डन और नॉट। सरल शब्दों में कहें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स के बैलेंस शीट का ऑडिट करती हैं वो देखने के लिए कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो अपना रेवेन्यू है वो जनरेट किया है या नहीं और उसका प्रॉपर एक्सपेंडिचर किया है या नहीं। पॉलिटी क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं और इस बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स की इस्टेब्लिश करता है। CAG के रिपोर्ट के बेसिस पे ही पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ओवरऑल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप चेक ऑन द फाइनेंशियल एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू अवॉइड एनी आर्बिट्ररीनेस, यानी कि कोई भी मिसयूज ऑफ पावर रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर्स को अवॉइड करने के लिए CAG को एस्टेब्लिश किया गया है। सो CAG इज नोन टू बी अ वॉच डॉग ऑफ इंडियन फिस्कल सिस्टम। अभी देखते हैं इस ऑडिट रिपोर्ट में क्या आया है, आखिर CAG ने क्या बताया है, व्हाट हैव बीन द फ्लॉज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। सो इट वॉज फर्स्ट ऑडिट ऑफ CAG ऑन GST। तो GST के इम्प्लीमेंट हुए अब 2 साल हो गए हैं, उसके बाद ये पहला ऑडिट है CAG का ऑन GST। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 2017 एंड रिपोर्ट इज ऑन 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग ऑफ GST। एंड CAG के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है दैट द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड GST इन पुअर फैशन और इस कारण से ओवरऑल कॉम्प्लायंसेस हैव कम डाउन। कॉम्प्लायंसेस मीन्स ओवरऑल जितने लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो कॉम्प्लायंस कम हुआ है एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव कम डाउन बाई 10%। जितना हमारा रेवेन्यू होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो 10% कम हो गया है। Now the CAG points out flags the most problematic issue in GST implementation. According to CAG, the government has failed in implementing proper invoice matching system for input tax credit. So we need to understand what is this invoice matching system and input tax credit. This is the biggest implementational problem in GST. According to CAG report.
So let us see what it is. Before getting into invoice matching and input tax credit, let us briefly see about GST. GST was brought as a result of 101st Amendment Act. It subsumed all earlier prevailing indirect taxes like service tax, excise duty, sales tax. So in sabko subsume karke ek tax laya gaya hai, that is goods and services tax. It works on the principle of one nation, one tax. It also ensures value added tax. Value added मतलब हर स्टेज में जितनी value addition होगी बस उतने ही amount पे tax लगना चाहिए. Means it avoids tax over tax और cascading of taxes. ये concept already हम लोग अपने static classes में पढ़ चुके हैं. And GST is also a destination based tax. मतलब the final consumer should only pay the tax. It should not be paid by the intermediaries. So to ensure these two provisions, that GST remains a value added tax and it remains a destination based tax, we have the system of input tax credit and invoice matching. Ye sab kuch fir se samajhte hain. How value added tax, what is destination based tax and how input tax credit and invoice matching ensures this, ye hum log dekhenge. To is picture ke madad se samajhne ki koshish karte hain. Value added tax, destination based tax and input tax credit. So एक example लेते हैं, let us take a timber seller जो timber बेचता है और वो timber बेच रहा है furniture वाले को. एक furniture की shop है जिसकी, उसको इसने अपना timber बेचा. So furniture shop वाले को इसने अपना timber बेच दिया और furniture shop वाले ने furniture को बनाया, timber खरीद के उस पर काम किया और उस timber को furniture में convert किया और आगे इसने किसी एक buyer को बेच दिया यही फर्नीचर. तो इस केस में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये होगा कि अल्टीमेटली द प्रोडक्ट हैज गॉन टू दिस डेस्टिनेशन, इस इंसान के पास, इस बायर के पास, तो सारा का सारा टैक्स इसको ही पे करना चाहिए. इट शुड नॉट बी पेड बाय एनीवन एल्स. ऑल टैक्स शुड बी पेड बाय एंड कंज्यूमर, दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. सो जीएसटी एंश्योर्स दैट इट रिमेन्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स with help of input tax credit. We will see how. It also ensures that it remains a value added tax. तो ये भी देखते हैं value added tax का क्या मतलब होता है. Value added tax means tax on value added only. जितना value addition हुआ है बस उस पे ही tax लगना चाहिए. मान लो कि मैंने 100 रुपए का timber इसको बेचा है और बाद में इसने 100 रुपए का इस पे काम कर दिया इस कारपेंटर ने, तो टोटल इस प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 200 रुपीज. ठीक है, 100 रुपए का टिम्बर और 100 रुपए का कारपेंटर का जॉब, तो 200 की इसकी वैल्यू है. दो स्टेज में ये वैल्यू एडिशन हुई है, तो टोटल इस पे जो टैक्स लगना चाहिए दैट शुड बी ऑन दैट 200 रुपीज ओनली. 200 रुपए का जो वैल्यू है, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है इस पूरे प्रोडक्ट में, उस पर ही टैक्स लगना चाहिए. दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स. पहले प्रॉब्लम क्या होती थी इस जीएसटी से पहले, कि इसने टिम्बर बेचा इस फर्नीचर वाले को, तो इस टिम्बर पे पहले तो टैक्स भर दिया इस फर्नीचर वाले ने. तो मान लो 100 रुपए का टिम्बर बेचा था, 10 रुपए इसने इस पे टैक्स भर दिया, तो अब टोटल इसकी प्राइस हो गई 110 टिम्बर की. इस पे इसने काम किया 100 रुपए का, तो अब इस टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 210 पहले, और 210 रुपए पे अब फिर से टैक्स भरना पड़ेगा. तो That was cascading of taxes. Already इसको हम लोग static class में discuss कर चुके हैं, आगे के slide में फिर से discuss करेंगे कि how value added tax. Again फिर से इस picture को देखते हैं example के साथ. मान लो ये timber वाले ने furniture shop को ये timber बेचा है और उसका ये invoice है, तो timber का price मान लो 100 रुपए का है और उस पर मान लो prevailing state GST 10% है, तो 10 रुपए का SGST हुआ और सेंट्रल GST 10% है मान लो हाइपोथेटिकली, तो CGST 10 रुपए का हुआ. तो ये हो गया टोटल इनवॉइस, 100 रुपए का टिम्बर और 20 रुपए टैक्सेस, 10 SGST एंड 10 CGST. 120 रुपए ये फर्नीचर वाला देगा इस टिम्बर वाले को, ये टिम्बर वाला जो है 100 रुपए अपने पास रख लेगा, बाकी के 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा एज CGST और बाकी के रिमेनिंग 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा एज SGST. तो इस तरह से इसने 120 रुपए दिए,
उसमें 100 रुपये स्टेम्बर वाले के पास रह गए और 10-10 रुपये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। अब ये फर्नीचर वाला आगे बायर्स को बेच रहा है फर्नीचर। अब मान लो कि पहले टिम्बर का प्राइस था 100 और इस 100 पे इसने काम किया और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया, यानी कि इसने वैल्यू एडिशन की और 100 रुपये की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स हो गए 200 रुपीज़। उस पर SGST 10% मतलब 20 रुपीज़, CGST 10% मतलब 20 रुपीज़, सो टोटल कॉस्ट नाउ इज 240 रुपीज़ ये बायर इस फर्नीचर वाले को दे देगा। और ये फर्नीचर वाला क्या करेगा, 20 रुपये एज CGST इट विल सबमिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20 रुपये एज SGST इट विल सबमिट टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अब अगर यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए, अगर कोई आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट ना हो, देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता, अगर बस यहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाए, तो देखो अब टोटल टैक्स कितना आ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास, 20 + 10 = 30 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20 + 10 = 30। और बीच में इस फर्नीचर वाले ने भी 10 रुपये का टैक्स दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को और 10 रुपये का टैक्स दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिस एंड दिस। तो हमें पता है कि GST हैज़ टू बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब सारा का सारा टैक्स इसके पास से आना चाहिए, बीच के किसी भी इंटरमीडियरीज को टैक्स नहीं भरना चाहिए। सो टू मेक इट अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये जो 10 रुपये फर्नीचर वाले ने दिया था पहले ट्रांजेक्शन में थ्रू दिस टिम्बर वाला, वो 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट वापस कर देगी टू दिस फर्नीचर वाला एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे ही ये 10 रुपये जो इस फर्नीचर वाले ने दिए थे टू सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू दिस टिम्बर वाला, ये 10 रुपये भी वापस कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू दिस फर्नीचर वाला एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच के इंटरमीडिएटरीज को जो टैक्स जो उन्होंने पे कर रखा है पहले से, उसको अगर वापस रिटर्न कर दे, देन इट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस 10 रुपीज़ बाई स्टेट गवर्नमेंट इज दिस 10 रुपीज़ SGST जो इस फर्नीचर वाले ने पे किया था, एंड दिस 10 रुपीज़ इज दिस 10 रुपीज़ जो इस फर्नीचर वाले ने पे कर रखा था CGST। सिंस ही इज नॉट द फाइनल कंज्यूमर, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इसलिए उसका टैक्स इन्होंने वापस कर दिया। एंड इस तरह से इन्होंने इंश्योर किया इन दिस विद द हेल्प ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट GST रिमेन्स अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इंश्योर कराने के लिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क करने के लिए ये दोनों इन्वॉइस को मैच करना पड़ता है। इन्वॉइस मैच करने का मतलब इसको ये क्रेडिट तभी मिलेगा, 10-10 रुपये वापस तभी मिलेंगे इस फर्नीचर वाले को, जब ये दोनों इन्वॉइस, इन्वॉइस ए और इन्वॉइस बी सबमिट करेगा गवर्नमेंट के GST पोर्टल पे। गवर्नमेंट दोनों इन्वॉइस मैच करेगी, उसको कंफर्म हो जाएगा कि इसने फाइनल कंज्यूम नहीं किया है आफ्टर सीइंग दिस इन्वॉइस, और उसके बाद गवर्नमेंट इसके पुराने टैक्सेस को रिटर्न कर देगी आफ्टर सीइंग दिस इन्वॉइस। सो दिस इन्वॉइस मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये जो पूरा का पूरा CAG रिपोर्ट है वो यही कह रहा है कि इनका इन्वॉइस मैचिंग सिस्टम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो जो भी हमारे बीच के सेलर्स हैं, जो भी हमारे रिटेलर्स हैं, वो हमारे अपने इन्वॉइस को अपलोड कर ही नहीं पा रहे अच्छे से, और जब इनका सिस्टम अपलोड नहीं कर पा रहा है इन्वॉइस को, तो प्रॉपर इन्वॉइस मैच नहीं हो पा रहा और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और इस कारण से जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो GST कंप्लायंस नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग देयर क्रेडिट ऑन टाइम। उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं हाउ वैल्यू एडेड टैक्स इज एंश्योर्ड थ्रू दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये देखो, पहले वाले ट्रांजेक्शन में इसको 120 रुपये देने पड़े, राइट। दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में इसने 200 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स का प्राइस लगा रखा है, 100 रुपये टिम्बर का और 100 रुपये इसने अपने कारपेंट्री का जो काम है वो कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है, इसने प्राइस गुड्स का 200 रुपये इसलिए कर रखा है क्योंकि इसको पता है कि इसने जो पहले टैक्स दे रखा है 20 रुपीज़, वो इसको मिल जाएगा वापस एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। इसीलिए इसने टिम्बर का प्राइस बस 100 रुपये कर रखा है और अपने कारपेंटर के जो सर्विस चार्ज है उसने 100 कर रखा है। अगर इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना वाला होता तो ये टिम्बर कॉस्ट 100 ना रख करके 120 रखता, राइट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाते 220 और उस पर SGST
20% 10% लगता तो SGST should have been 22 rupees and CGST should have been 22 rupees and total cost would have been 244. वो जो 4 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स निकल के आता that would have been because of tax over tax. ये 20 रुपए का टैक्स जो ऑलरेडी ये पे कर चुका है उसके ऊपर टैक्स होता है, दैट इज नोन एज कास्केडिंग. बट सिंस ही नोज कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, इसीलिए इसने टिम्बर की कॉस्ट 120 ना रख के बस 100 रखा था, और इस तरह से कास्केडिंग अवॉइड हो गया एंड द फाइनल कॉस्ट इज 240 रुपीज ओनली. सो विथ मैचिंग ऑफ द इनवॉइसेज ऑफ सेल एंड परचेज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव्स इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विथ दिस it ensures that there is no cascading of taxes. It also ensures that it remains a destination based tax and there is no tax applied on intermediaries, jo is case mein hamara furniture wala tha. According to CAG report, the portal for uploading invoices does not work properly. This is leading to reduction in tax compliance and also reduction in revenue from goods and services. The next article is Odisha model. This came on page 11 of The Hindu. Relevant to the syllabus from GS paper 2 governance, it is also important for essay writing because this entire article is for women empowerment और हर साल एक ना एक essay women issues के ऊपर होता ही है. So the data is given in this article can be used for writing essays on women empowerment. The context देखते हैं, background देखते हैं. So Odisha state has shown a great progress in the field of women empowerment. और ये पूरा जो article है वो यही कह रहा है कि बाकी states को भी ये model apply करना चाहिए अपने state में in order to ensure women empowerment. तो देखते हैं आखिर Odisha model for women empowerment है क्या. Before seeing Odisha model, let us briefly understand what is women empowerment. So women empowerment in simple terms can be defined as independence to take decisions regarding their own life is known as women empowerment. If women are allowed to make decisions regarding their own life, then they are empowered, especially in two fields, political and economic. So political empowerment, how one can ensure political empowerment to women? So political empowerment means more representation in executive and legislative wing of the government. Agar women jyada se jyada represent kare in parliament, in state legislature as well as in the government, then you may say that the woman is politically empowered in that country. Dekhte hain track record of India as compared to world with respect to political empowerment. So percentage of women in 17th Lok Sabha is only 14%, while world's average is about 24.3%. ये डेटा हम लोग ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं. सो दिस क्लियरली शोज दैट पॉलिटिकली वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू वर्ल्ड्स एवरेज. अगर ये डेटा देखे तो ये 17th लोकसभा में फिर भी काफी ज्यादा हो गया था. इन 16th लोकसभा इट वाज ओनली 12%, इन 2009 दैट वाज इन 15th लोकसभा इट वाज हार्डली 10%, इन 2004 इट वाज 8%. तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड स्पेशली इन लेजिस्लेचर इज वेरी लेस इन इंडिया. Now let us see steps taken by Odisha government for political empowerment of women. So 50% of seats reserved for women in panchayat. ये बहुत सारे states ने कर दिया है, but Odisha was one of the first state to give 50% reservation to women in panchayat. हम लोग polity में देखते हैं that under Indian constitution only 30% of the seats must be reserved. उसके ऊपर the state government can give reservation up to 50%. And Odisha was first state to give this 50% reservation to women in panchayat. अगर ये recent Lok Sabha election का example ले लिया जाए, then the ruling party that is BJD in Odisha gave more tickets to women candidates as compared to any states. Out of 21 seats, 7 tickets were given to women candidates in Odisha by the ruling party, and the winning percentage of the women candidate was much higher than men. Un 7 women candidates mein se 5 women candidates jeet gayi.
Let us see the steps taken by the Odisha government for economic empowerment of women. So about 6 lakhs of self-help groups are working in Odisha, and it provides employment to about 70 lakhs women in the state. One of the state program, state scheme for women economic empowerment, Mission Shakti, is being run by the state government. Under this program, interest free loans to the women self help group is given up to rupees 5 lakhs. Self help groups ke benefit kya hote hain? It gives livelihood opportunity to women, plus it gives exposure to women for empowerment. Jab women jo hai marketing ke liye self help group mein, they make products like handicrafts or agricultural processed foods like achar or papar. To in sare products ko wo log marketing karne ke liye, they move out, and when they travel across the state, it gives exposure to the women. Ultimately it leads to empowerment of women. One of the best example might be Pramila Bisoi. So she is a woman who used to run a self-help group in Odisha, and she got exposure because of running the such self-help group, and ultimately in 2019, in 17th Lok Sabha, she got elected as a member of parliament as well. So she can be a great example how economic empowerment ultimately can lead to political empowerment as well. Hum log inka naam apne essay writing mein bhi use kar sakte hain. The next article is regarding ban on cryptocurrency. It came on page 14 of Indian Express, Delhi edition. Relevant to the syllabus from GS paper 3, Indian Economy. Context dekhte hain. So recently an inter-ministerial committee, हर अलग अलग मिनिस्ट्री से एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, और इस कमेटी ने रेकमेंड किया है अ कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया. सो लेट अस सी व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज. सो क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल करेंसीज. दे आर जनरेटेड ऑन एन ओपन सोर्स एल्गोरिथम, यानी कि ओपन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ये जनरेट किए जाते हैं. इसका जरा सा बैकग्राउंड देखते हैं. जो फर्स्ट सच क्रिप्टो करेंसी वाज बिटकॉइन, और इससे रिलेटेड एक पेपर फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 2008 में. ये कॉन्सेप्ट कि क्रिप्टो करेंसी एक चीज हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट 2008 में पब्लिश हुआ था बाय अ पर्सन नोन एज साटोशी नाकामोटो. अब ये नाम ओरिजिनल नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान का नाम है हु इज नॉट नोन टिल डे. इट्स हिज वर्चुअल आइडेंटिटी, इट्स अ सूडो नेम. और उन्होंने इसने एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरह की भी एक करेंसी हो सकती है जो सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, जिसका कोई रियल वर्ल्ड से कनेक्शन ना हो. और इस तरह का उसने एक सिस्टम 2009 में डेवलप भी कर दिया बाय द नेम बिटकॉइन. आप आज के डेट में ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज वर्क कर रही हैं, बट बिटकॉइन वॉज द फर्स्ट सच क्रिप्टो करेंसी डेवलप्ड बाय दिस वर्चुअल पर्सन. तो एक बेसिक सवाल मन में उठता है कि अगर किसी ने ऑनलाइन कुछ करेंसीज डेवलप कर दिए तो आखिर लोग उसको खरीदेंगे क्यों, उसको वैल्यू कहां से मिलती है. क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे इंडियन करेंसी को देख लें, रुपीज को देख लें, तो इसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है क्योंकि वो तो कागज का टुकड़ा है, बट उसको जो वैल्यू देता है वो गवर्नमेंट का बैकिंग देता है. दैट इज वाई वी नो कॉल इट लीगल टेंडर. उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर साइन करके देते हैं कि आई गिव वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर पेपर. बट क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यू कहां से मिलती है, लेट अस सी. इट ऑल इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. अब क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड आ रही है, ठीक है, लोग चाह रहे हैं, दे नीड टू हैव, दे वॉन्ट क्रिप्टो करेंसीज, और इस कारण से उसकी धीरे धीरे वैल्यूज बन रही है. There has been a surge in the demand because of the freedom of regulation by any authority, government and central bank. ये demand आखिर बढ़ क्यों रही है? Because demand इसलिए बढ़ रही है क्योंकि cryptocurrency के साथ एक फायदा है, that it is not regulated by any authority like government or central bank. तो मान लो आपको अगर कोई इस तरह का transaction करना है जिसमें you do not want it to be notified by any central government or any other अथॉरिटी लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको क्रिप्टो करेंसी आपके लिए बेस्ट है.
सोर्स हो सकता है ट्रांजैक्शन करने का। तो स्टार्टिंग में इसको ज़्यादातर ऐसे लोगों ने यूज किया जो अपने ट्रांजैक्शन को हिडन रखना चाहते थे। मान लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको अगर ड्रग्स खरीदना है, सो दे नाउ हैव गॉट अ वे टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज का डिमांड बढ़ना शुरू हो गया बिकॉज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वॉन्टेड इट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स स्मगलिंग। तो जब इसका डिमांड बढ़ना शुरू हो गया और ओवरऑल जितने नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन दैट इज फिक्स्ड दैट इज 21 मिलियन, तो जब इसके डिमांड बढ़नी शुरू हो गई तो प्राइस भी बढ़नी शुरू हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, क्योंकि आपको इसको खरीदना पड़ता है करेंसीज दे करके, डॉलर दे करके या रुपीज़ या इस तरह की करेंसीज दे करके, तो इसकी जब प्राइस बढ़ने लगी तो और भी डिमांड बढ़ी एंड नाउ अदर यूजर्स एज वेल वॉन्ट टू हैव क्रिप्टो करेंसीज। जिनको ड्रग ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग नहीं करना है वो भी अब आज के डेट में चाहते हैं कि उनको क्रिप्टो करेंसीज मिले। इसका एक फायदा यह है कि ट्रांजेक्शन आर डन विथ सूडो नेम्स, मतलब आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना, जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं उस पर आप एक वर्चुअल नाम के साथ खेलते हैं, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं सूडो नेम्स के साथ। और इसमें काउंटर फिटिंग इज प्रोटेक्टेड बाई इंक्रिप्शन कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि एक बेसिक सवाल उठता है कि सर फिर तो कोई भी ऐसे काउंटर फिटिंग कर लेगा, कोई भी ऑनलाइन करेंसीज बना लेगा अगर इसकी इतनी वैल्यू है। तो इसको समझने के लिए हाउ काउंटर फिटिंग इज अवॉइडेड विद हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हम लोग इस फिगर से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है टू एक्सप्लेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हाउ ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज वर्क। तो हम सब ने कभी ना कभी टॉरेंट से मूवी जरूर डाउनलोड की होगी, टॉरेंट पे मूवीज पड़ी रहती हैं। मान लो इस केस में टॉरेंट पे मूवी पड़ी है ABCD अप टू I, ये मूवीज पड़ी हैं। ये टॉरेंट कैसा है? ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इसी तरह का ओपन प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन, ठीक है? उस पे बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, राइट? जो डेवलप कर दिया है डेवलपर ने, साटोशी नाकामोटो, राइट? और उसने डेवलप कर दिया 21 मिलियंस क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन जो इस ओपन प्लेटफॉर्म पे परे हैं, जैसे मूवीज परे होते हैं टॉरेंट पे। अब मान लो एक इंसान को एक मूवी चाहिए ए, तो टॉरेंट से इस मूवी को डाउनलोड कर सकता है। वैसे ही अगर मान लो इस इंसान को क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन चाहिए हो ए, तो वो यहाँ से इस क्रिप्टो करेंसी को ले सकता है। अंतर बस टॉरेंट में और इस क्रिप्टो करेंसी में ये है कि टॉरेंट के अंदर यह डाउनलोड किया जा सकता है, मतलब इसकी एक कॉपी बनाई जा सकती है, बट इन बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। अगर ये ए खरीदेगा देन दिस ए विल गेट कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू हिज पर्सनल अकाउंट और यहाँ से ये इलिमिनेट हो जाएगा। और बाद में अगर इसको, मान लो ये इतना क्रिप्टो करेंसी इस दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र करना है, तो इट कैन ट्रांसफर ओनली थ्रू दिस ओवरऑल ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ये वापस से ए यहाँ सबमिट करेगा एंड देन दिस ए विल गेट ट्रांसफर टू दिस पर्सन। इससे होता क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म, और ये रिकॉर्ड हर एक जो क्रिप्टो करेंसी का यूजर है, बिटकॉइन का यूजर है, वो देख सकता है कि ये करेंसी एक अकाउंट से निकल करके दूसरे अकाउंट में गया तो ओवरऑल यहाँ कितना होना चाहिए। इस तरह से होता क्या है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं सब लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं कि आखिर इस प्लेटफॉर्म पे जितना पैसा पड़ा है वो सही है या नहीं, कोई किसी ने और काउंटर फिटिंग तो नहीं कर दी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू। इसमें कोई RBI ओवरऑल रेगुलेट नहीं कर रहा है, सारे के सारे यूजर्स ही रेगुलेट करते हैं एंड दिस इज नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थ्रू इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब इट कैन नॉट बी कॉपीड और इट कैन नॉट बी डाउनलोडेड, इट कैन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, इसकी कॉपी नहीं बना सकते। क्रिप्टो करेंसी से थ्रेट क्या है? वोलेटिलिटी इन प्राइस। एकाएक से जब प्राइस डिमांड आ गया बिटकॉइन में तो इसकी प्राइस लगभग 1000% तक ऊपर चली गई। सो इसका कोई प्राइस रेगुलेटर नहीं है, इट हैज एनी लैक्स एनी रेगुलेशन ऑफ एनी अथॉरिटी। देर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स। अब जो इसके डेवलपर्स हैं वो ये तो कह रहे हैं कि इसकी कोई कॉपी बना नहीं सकता, बट हाउ कैन समवन गारंटीड
क्योंकि जो यूजर्स हैं इनको कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो इस बात की गारंटी दे कि क्रिप्टो करेंसीज की कॉपी बन नहीं सकती। हो सकता है कोई ऐसा हायर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए जिससे क्रिप्टो करेंसीज की भी इनक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सके। उसको अवॉइड करने के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। साइबर थ्रेट्स का तो डर है ही है और इस कारण से जो यूजर्स हैं दे आर वल्नरेबल। एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ही इट इज अ मीडियम दैट कैन बी मिसयूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज लाइक टेरर फाइनेंसिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। और इसीलिए इन 2018 आरबीआई आस्क्ड बैंक्स टू स्टॉप डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस दैट आर डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इट वॉज इन न्यूज। और इस इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में डिसीजन ये लिया गया है दैट इंडिया शुड फ्रेम ए लॉ टू बैन क्रिप्टो करेंसीज। पहले सिर्फ आरबीआई का डायरेक्शन था दैट बैंक्स विल नॉट सपोर्ट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, बट अब गवर्नमेंट चाह रही है कि एक लॉ बनाया जाए, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ इट शुड बैन क्रिप्टो करेंसीज। प्लस द गवर्नमेंट सेज दैट a digital currency will also be brought called digital rupee and this digital rupee will be under overall regulation of RBI. अब बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये डिजिटल रुपी बना भी दिया हमने अंडर रेगुलेशन ऑफ आरबीआई देन इट कैन नॉट बी लाइक एनी क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, क्योंकि उनका एसेंस ही ये है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ही ये है दैट दे आर नॉट रेगुलेटेड बाई एनी अथॉरिटी। अब अगर आरबीआई अपने रेगुलेशन से अगर एक क्रिप्टो करेंसी रिलीज भी करती है डिजिटल रुपी तो इसका वो मेन सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ दिस डिजिटल रुपी विल वर्क एंड हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन येट सर्व द पर्पस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अनदर आर्टिकल इज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बिजनेस। दिस आर्टिकल इज नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम, बट इसको आप लोग कहीं पासिंग रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। Came on page 1 of Indian Express, Delhi edition, relevant to the syllabus from GS paper 3, Indian Economy. तो context, background देखते हैं, VG Siddhartha, the founder of CCD commits suicide. तो ये पूरा का पूरा जो development है, ये जो event हुआ है of VG Siddhartha committing suicide, was founder of CCD, it highlights the problems that Indian businesses, Indian corporates are facing in recent times. ऐसा बहुत सारे experts सब बता रहे हैं। First, they are facing huge mounting debt. क्योंकि पिछले 4-5 सालों से economy is showing a very sluggish growth. तो कोई खास growth हो नहीं रहा है and business houses के जो बहुत सारे corporates हैं इनके बहुत सारे projects जो stalled हो गए हैं। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, वेयर द बैलेंस शीट ऑफ बोथ बैंक्स एज वेल एज द कॉरपोरेट्स आर इन अ वीकर स्टेट, दैट इज नोन एज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो डेट बढ़ता जा रहा है बिजनेस हाउसेज में बिकॉज ऑफ स्लगिश ग्रोथ इन लास्ट 5-6 ईयर्स, स्पेशली आफ्टर 2012। मार्केट डाउन टर्न, मार्केट काफी स्लो चल रहा है। एंड द थर्ड फैक्टर जो इस केस में सामने निकल के आया दैट इज टैक्स टेररिज्म। ये टर्म मुझे आपको बताना था, टैक्स टेररिज्म, इसलिए मैंने ये आर्टिकल इंक्लूड किया क्योंकि विजी सिद्धार्था ने अपने सुसाइड नोट में ये भी बताया है कि ही इज बीइंग हरास्ड बाय टैक्स ऑफिशियल्स। सो लेट अस सी व्हाट इज टैक्स टेररिज्म। सो इट इज पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन टैक्स कंप्लायंस बाय टैक्स अथॉरिटीज इन हार्श मैनर। ये टर्म पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2014 में यूज किया था, जहां उन्होंने साफ साफ टैक्स ऑफिशियल्स को ये हिंट्स दिया था, गाइड किया था कि उन लोगों को अनड्यू प्रेशर नहीं पुट करना चाहिए बिकॉज इट अल्टीमेटली टार्निश इमेज ऑफ द कंट्री। 2011-12 में वोडाफोन केस हैपेंड दैट ऑलरेडी हैड कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इमेज ऑफ कंट्री एंड ओवरऑल इट हैम्पर्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ द कंट्री, और इससे FDI भी सफर करता है। तो टैक्स टेररिज्म को अवॉइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑलरेडी हिंट्स या गाइड कर रखा था टैक्स ऑफिशियल्स को। दैट इज फॉर द डे, थैंक यू।